हेलो एंड वेलकम टू टेक एडवाइज इन हिंदी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप व्हाट्सएप पर कोई भी ऐप, गेम या एपीके फाइल कैसे सेंड कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टिप्स ट्रिक्स के वीडियोज़ अपलोड करते हैं जो आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। और आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि व्हाट्सएप पर कोई भी ऐप सेंड करने का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर केवल डॉक्यूमेंट, फ़ोटोज़, ऑडियो, लोकेशन और कॉन्टैक्ट हम सेंड कर सकते हैं। तो ऐप सेंड करने के लिए आपको ES फाइल एक्सप्लोरर की ज़रूरत होगी, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। अब आप ES फाइल एक्सप्लोरर ओपन कीजिए। इसे ओपन करने के बाद जो ऐप आपको सेंड करना है उसे सिलेक्ट कीजिए। मैं इस वीडियो में GTA 3 चीटर सेंड करके दिखाऊंगा, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद में इसे रीनेम करना है। रीनेम करने के बाद .apk को हटा के .txt लिखना है और सेव करना है। सेव करने के बाद आप देखेंगे कि ये txt फाइल में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसे सेंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट में जाना है जिसे आपको सेंड करना है, और डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद में वो txt फाइल जहाँ है वहाँ से सिलेक्ट करना है और सेंड पे क्लिक कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सेंड हो रहा है। जब भी आपके फ्रेंड के पास सेंड हो जाए तो आप उसे कहें कि वो इसका एक्सटेंशन txt से हटा के .apk कर दे, ताकि ये ऐप को वो यूज़ कर सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।